सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, इंग्लैंड एंड वेल्स में 30 मई 2019 से होने वाले वर्ल्ड कप 2019 में भारतीय टीम को सबसे बड़ा प्रबल दावेदार माना जा रहा है, जो कि टीम इंडिया का ओडीआई फॉर्मेट में पिछले काफी टाइम से काफी शानदार परफॉर्मेंस रहा है, जिसके चलते यह माना जा रहा है कि भारतीय टीम का वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय है, जो कि वर्ल्ड कप 2019 के फॉर्मेट भी काफी गजब का है, जहां सभी टीम को हर एक टीम के खिलाफ एक एक मैचेस खेलने होंगे वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले को छोड़कर, यानी कि राउंड रॉबिन में सभी टीमों को 9-9 मुकाबले खेलने होंगे, जिसके बाद ही टॉप की 4 टीमें जाएंगी वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में और इन 4 टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला होगा सेमीफाइनल में। तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीम इंडिया के कंफर्म प्लेइंग 11 के बारे में, कि वो कौन से 11 खिलाड़ी खेलेंगे भारतीय टीम की तरफ से वर्ल्ड कप 2019 के सारे ही मैचों में। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहे, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया और वर्ल्ड कप 2019 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो कर दीजिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक। वहीं दोस्तों, इस वीडियो के स्पॉन्सर क्या है, नॉनस्टॉप प्रो ऐप ने, जो कि कमाल का ऐप है, पावर्ड बाय पेटीएम। आप सभी लोग बड़े ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं कुछ इजी सिंपल क्वेश्चन के जवाब देकर, जैसे कि कौन सी टीम जीतेगी यह मैच, कौन सी टीम हारेगी यह मैच और कौन सी टीम कितना ज्यादा रन स्कोर करेगी। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डाउनलोड करते ही आपको ऑलरेडी 100 रुपये बोनस में मिल जाएंगे। अब दोस्तों, अगर हम बात करें टीम इंडिया की कंफर्म प्लेइंग 11 के बारे में वर्ल्ड कप 2019 के लिए, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2019 में अपना पहला मुकाबला जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी 5 जून 2019 को साउथ एम्पटन में। तो मैं इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड हर एक टीम के खिलाफ एक एक मैचेस खेलने हैं। तो चलिए बात करते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में। तो कुछ इस तरह से होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 वर्ल्ड कप 2019 के सारे ही मैचों के लिए, जो कि सलामी जोड़ी के तौर पर नंबर एक पर होंगे रोहित शर्मा, जो कि एक जबरदस्त ओपनर बल्लेबाज है टीम इंडिया के और इस टाइम पर काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। तो इसके बाद नंबर 2 पर होंगे शिखर धवन, जो कि ये भी इस टाइम पर काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, जो कि एक जबरदस्त विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज माने जाते हैं। अगर बात की जाए नंबर 3 की, तो नंबर 3 पर होंगे रन मशीन यानी कि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, जो कि हमेशा की तरह इस टाइम पर काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और टीम इंडिया इन टॉप के 3 बल्लेबाजों के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड होगी, क्योंकि ये तीनों ही बल्लेबाज जब भी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं कहीं ना कहीं पूरा मैच पलट कर रखते हैं अपने जबरदस्त बल्लेबाजी के दम पर। अगर बात की जाए नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर विजय शंकर, जो कि एक ऑलराउंडर है लेकिन टीम इंडिया में नंबर 4 की बल्लेबाजी संभालने वाले हैं। अगर बात की जाए नंबर 5 की, तो नंबर 5 पर होंगे टीम इंडिया के सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी, जो कि ये भी कहीं ना कहीं अपने जबरदस्त पुराने लय में दिखाई दे रहे हैं और टीम इंडिया के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है, जो कि वर्ल्ड कप 2019 में महेंद्र सिंह धोनी एज ए फिनिशर की भूमिका भी निभाने वाले हैं। अगर बात की जाए नंबर 6 की, तो नंबर 6 पर होंगे केदार जाधव, जो कि एक ऑलराउंडर माने जाते हैं, जो कि जबरदस्त बल्लेबाजी के साथ साथ स्पिन बॉलिंग भी करा लेते हैं। अगर बात की जाए नंबर 7 की, तो नंबर 7 पर होंगे टीम इंडिया के जबरदस्त ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जो कि इस टाइम पर काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और अपने बल्ले और गेंद से काफी शानदार परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। अगर बात की जाए नंबर 8 की, तो नंबर 8 पर होंगे कुलदीप यादव, चाइना में स्पिनर। तो इसके बाद नंबर 9 पर 2 खिलाड़ियों का नाम सामने आ रहा है, जो कि नंबर 1 पर युजवेंद्र चहल, जो कि एक जबरदस्त लेग स्पिनर है और उसके बाद नंबर 2 पर नाम आता है भुवनेश्वर कुमार का, जो कि एक जबरदस्त फास्ट बॉलर है। दोस्तों, सिचुएशन के हिसाब से इन दोनों ही खिलाड़ियों में से किसी एक को मौका मिलेगा। जब स्पिन पिच होगी तो टीम में युजवेंद्र चहल को मौका मिलेगा, वहीं जब फास्ट बॉलरों को मदद करेगी पिच तो ऐसे में भुवनेश्वर कुमार खेलते हुए दिखाई देंगे। अगर बात की जाए नंबर 10 की, तो नंबर 10 पर होंगे टीम इंडिया के जबरदस्त फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी। तो इसके बाद नंबर 11 पर होंगे जसप्रीत बुमराह, यॉर्कर किंग, जो कि डेथ ओवर के बादशाह माने जाते हैं और इस टाइम पर काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं जसप्रीत बुमराह। दोस्तों, ये टीम इंडिया की प्लेइंग 11 वर्ल्ड कप 2019 के लिए, जो कि लगभग सारे ही मैचों में यही 11 खिलाड़ी खेलने वाले हैं भारतीय टीम की तरफ से। तो गाइस, आपके हिसाब से वो कौन से भारतीय टीम के 11 खिलाड़ी खेलने चाहिए वर्ल्ड कप 2019 के सारे ही मैचों में, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपने राय जरूर दें। वहीं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसमें आपको मिलने वाली है क्रिकेट की हर एक न्यूज सबसे पहले।